जो आज हाई कोर्ट ने जो समय बाउंड कर दिया, ये बहुत अच्छा है। मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का, क्योंकि ये समय बाउंड ही नहीं हो रहा था। उनको अलग 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 अपील करते थे, जो उनको मर्सी करनी चाहिए थी वो नहीं करते थे, यही कहते थे हमारे पास रेमडी है। तो कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि एक हफ्ते में जो करना है करो। भारत सरकार की एप्लीकेशन और दिल्ली सरकार ने जो दोनों ने मिलकर लगाई थी, उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया है। और साथ में हमारे लिए कहा है कि जो भी हमारी लीगल रेमेडीज हैं हम उन्हें अवेल करें, और विद इन ए वीक एक हफ्ते का टाइम दिया गया है कि उसमें हम अपनी लीगल रेमेडीज को आगे अवेल करें। आज इस कोर्ट के जो जजमेंट है इसका मैं वेलकम इसलिए करती हूँ क्योंकि कोर्ट ने इनको टाइम बाउंड कर दिया कि विदिन 7 डेज आपके पास जो भी राइट है उसका यूज कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे देन फ्रेश वारंट पटियाला हाउस कोर्ट जारी करेगा, उसमें एक टाइम फिक्स होगा और उस टाइम जो टाइम प्रिस्क्राइब होगा उसमें इनको हैंग कर दिया जाएगा। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि जो एग्जीक्यूशन चारों का एक साथ किया जाएगा, वो एक शेर सिंह का केस है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि चार को दो को फांसी होगी, फिर हम वेट करते कि दो को कब तक हैंग किया जाएगा। तो अगर टाइम बाउंड हो गया तो वो मेरे फेवर में है और इन चारों को अब एक ही साथ हैंग किया जाएगा।